वेलकम टू नॉलेज आई क्यू अभिषेक। मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल नॉलेज आई क्यू अभिषेक में। और फ्रेंड, जैसा कि वीडियो के थंबनेल से आप सभी को दिख रहा होगा, सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड में आपकी आईटीआई की डिफरेंट ट्रेडिस की यहां पर अप्रेंटिसशिप के लिए रिक्वायरमेंट आया है। तो आप लोग को दिखा देता हूँ, ये जो नोटिफिकेशन है 4 सितंबर को रिलीज हुआ है ऑफिशियल, इसका नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। आप लोग जाकर सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड की साइट पर भी जाकर इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए हम पूरी वीडियो में देखते हैं इसमें क्या इंपॉर्टेंट है और इसके अंदर क्या क्या एज लिमिट है और क्या कौन से स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा, देखिए फिटर की 425 सीट है जिसमें 10th के साथ आईटीआई मांगा गया है। अब इंपॉर्टेंट बात रहती है एज, तो एज आपकी इसमें 18 से 30 के बीच में कोई भी हो सकती है। अगर आपकी एज 18 से 30 के बीच में तो आप इसमें आराम से अप्लाई कर सकते हैं। बाकी एससी वालों के लिए 5 साल एज रिलैक्सेशन और ओबीसी वालों के लिए 3 साल एज रिलैक्सेशन मिलेगा। फिटर के साथ देख सकते हैं वेल्डर की 80 है, इलेक्ट्रीशियन की 630 है, मैकेनिक और रिपेयर मेंटेनेंस की 175 है, कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट की 50 है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की 25 है, मशीनिस्ट की 25, ट्यूनर की 25, मेडिकल लेबोरेटरी की यहाँ पे 15 और आगे देख सकते हैं जो है सेक्रेटेरियल असिस्टेंट की यहाँ 50 है। यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल कि यहाँ पर जो सीट्स नंबर ऑफ सीट्स हैं 1565 है, यानी 1565 सीट यहाँ पे टोटल आई है। और जिस भी ट्रेड का आपका, जैसे वेल्डर है तो आपके पास आईटीआई वेल्डर में होनी चाहिए, इलेक्ट्रीशियन है तो आपके पास आईटीआई इलेक्ट्रीशियन के अंदर होनी चाहिए, तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। आगे देखते हैं नोटिफिकेशन में और क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो देखिए, इसमें आपको एक स्टाइपेंड मिलेगा महीने के हिसाब से, 1 साल की अप्रेंटिसशिप होगी और स्टाइपेंड जो आपका रहेगा 7000 पर मंथ रहेगा। साथ साथ देख सकते हैं योग्यता आपकी जो है, आपकी उम्र 18 से 35 मैंने बता दी, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। और इम्पॉर्टेंट और इसमें मैं देख लेता हूँ, आवेदन की प्रक्रिया देखिए कैसे करेंगे। आवेदन की प्रक्रिया करने के लिए आपको WHTTP आपको apprenticeship.org पर जाना होगा। यहाँ देखिए साइट दे रखी है, आप लोग इसे वीडियो को पॉज करके साइट को आप लोग टाइप करके लिख सकते हैं। तो इस पर आपको करना होगा, इसके साथ साथ आपका यहाँ पे हो जाएगा। बाकी देखिए दिनांक 5/9 से अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर आप लोग इसे करेंगे यहाँ से, और उसके बाद इसके फॉर्म को यहाँ से क्या करेंगे, फिलअप कर देंगे। 5/9 से आपका स्टार्ट हो जाएगा। बाकी देखते हैं चयन प्रक्रिया किस बेसिस पर होगी। चयन प्रक्रिया में सिर्फ उन्हीं अभ्यर्थियों के आवेदन पर विचार किया जाएगा जिनको 5 अक्टूबर 2020 तक अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर CCL के विभिन्न क्षेत्रों में आवेदन किया हो। मतलब आपके पास 5 सितंबर से 5 अक्टूबर तक जो अप्लाई करने का समय है, तो इसमें मेरे ख्याल से जो आपका सिलेक्शन होगा मेरिट के आधार पर होगा। जो भी आपने आईटीआई में नंबर लाए होंगे उस मेरिट के आधार पर आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। और इस आपका दे रखा है जो HTTP वाली, इस पर जाकर आप साइट पर जाकर फॉर्म का पूरा आसानी से फिल कर सकते हैं। बाकी आप लोग देख सकते हैं, बाकी इसमें इंपॉर्टेंट देखता हूँ मैं, कुछ और इंपॉर्टेंट मुझे दिखता है। बाकी देखिए यहाँ पे आपका जो डिक्लेरेशन फॉर्म भी है, वार्ड सर्टिफिकेट भी यहाँ पे दे रखा है, तो इस चीज़ को भी आप लोग देख लीजिएगा कि ये मतलब इसे कैसे करके फिलअप करना है। बाकी करेक्टर ऑफ पैप ये जब होगा, जब आप लोग का सिलेक्शन हो जाएगा और आपको ज्वाइनिंग होगी, तो आपको ये डिक्लेरेशन और सर्टिफिकेट ऑफ पैप जो है बनवाना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, ये मेरी छोटी सी अपडेट थी जिसमें आईटीआई की अप्रेंटिसशिप आई थी, उसके ऊपर मैंने ये वीडियो पूरी बना दी है। आशा करता हूँ आप आईटीआई वालों को ये जो है वैकेंसी और इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड जो भी चीज़ें आप समझ में आ गई होंगी और आपको वीडियो पसंद आई होगी और इसे अप्लाई भी आप जरूर करेंगे। तो इसी तरीके की लेटेस्ट आईटीआई बीटेक डिप्लोमा ग्रेजुएशन से रिलेटेड जॉब के लिए आप हमारे चैनल नॉलेज आईक्यू अभिषेक को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें। मैं अभिषेक के आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।